इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता रहता था कि पापा आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही यह खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचता है, उसके बाद डॉक्टर उनसे यह कहते हैं कि आपके पापा अब पहले से थोड़े ठीक हैं और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके उसे वहां पर बुला लिया। उसका दोस्त वहां पर आता है और पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि चल ना जरा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वे दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जा आइसक्रीम खाते हैं। यह बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और ये यहाँ आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और मैं यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसीलिए जो होगा देखा जाएगा, मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युमन रखा गया था। प्रद्युमन के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युमन का अपहरण हो गया। प्रद्युमन के अपहरण के कारण रुक्मणी माता नाराज और उदास रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी माता से कहते थे कि चिंता मत करो क्योंकि प्रद्युमन जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी माता अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी माता के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युमन की वापसी हुई और जब प्रद्युमन द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युमन से 20 साल ज्यादा थी। प्रद्युमन के वापस आने पर रुक्मणी माता पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसीलिए रुक्मणी माता फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी माता से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रही, और 8 साल के बाद रुक्मणी माता ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युमन ने जो यह शादी करी है वो ठीक है और इसीलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी ने अपनी जिंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी भगवान श्री कृष्ण की कहानी जो हमें दो बड़ी बातें सिखाती है, और यही दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी।